हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिशन नेट फिजिक्स एग्जाम। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की। सो ये तीनों ही ट्रिक्स बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको ये ट्रिक्स पता होंगी, आप इनकी हेल्प से बहुत इजिली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स। सो टू सॉल्व द क्वेश्चन इन फ्यू सेकेंड्स, यू ऑल शुड नो अबाउट दीज ट्रिक्स। Now quickly let's do the discussion about these tricks, and all these tricks are important for your upcoming CSIR NET PHYSICS exam and also for gate physics exam. So guys, अगर आपको कभी किसी question में potential expression दिया गया हो, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x, ठीक है, 2x plus 3y, और आपसे पूछा जाए कि which of the following is a conserved quantity, और options आपको momentum components के terms में दिए गए हैं, तो आप कैसे इसको इजिली पता कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या लिखना है, x के कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम कॉम्पोनेंट क्या होगा, पी एक्स, और y के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी वाई, ठीक है। उसके बाद में आपने कॉफिशियंट को इंटरचेंज कर देना है, तो जैसे 3y के साथ था ना, अब 3 आपने पी एक्स के साथ लिखना है, और 2 जो x के साथ था उसको आपने पी वाई के साथ। अब आप या तो ये वाला 2x के आगे जो साइन था उसको चेंज कर दें, या इस साइन को, कोई एक साइन को आपने चेंज करना है। तो अगर मैं ये बीच वाला साइन चेंज करूंगी तो क्या बनेगा, माइनस, ठीक है, और अगर इससे पहले वाला करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 3px प्लस 2py। तो ये दोनों ही करेक्ट है, इनमें से जो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड क्वांटिटी या कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज करके बहुत इजिली अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर कभी आपको, सेकंड ट्रिक है ये, कभी आपको लैग्रेंजियन दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, ओके, तो उस केस में आपको चेक करना होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब है कोई ऐसा कोऑर्डिनेट जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है पर वो खुद प्रेजेंट नहीं है लैग्रेंजियन में। हम ये कहां चेक कर रहे हैं, लैग्रेंजियन के एक्सप्रेशन में। तो अगर आप यहां देखें, एक्स डॉट प्रेजेंट है और x भी प्रेजेंट है, तो ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है, लेकिन y डॉट प्रेजेंट है बट y प्रेजेंट नहीं है, तो y डॉट क्या है, प्रेजेंट है लैग्रेंजियन में बट y प्रेजेंट नहीं है, तो y क्या हुआ, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, और y के साइक्लिक होने के साथ ही साथ जो मोमेंटम होगा ना इस कॉम्पोनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो भी क्या होगा, कंजर्व्ड या कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, क्लियर। सो पी वाई विल बी कंजर्व्ड और कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ट्रिक जो है वो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री की है, आप उसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं। वो क्या है, देखिए कि फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री आप कभी भी ड्रॉ करेंगे अगर किसी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। इवन फॉर द नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम इंटरसेक्ट नहीं करती है फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रेजेक्ट्रीज होती है ना, वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है आपस में, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होगा उसमें, कुछ इस तरह से आपको कनेक्टेड ट्रेजेक्ट्रीज मिलेंगी, ओके। अब वो डायरेक्शन और कहां किस तरह से कनेक्टेड होगी वो आपको सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग पता चल जाएगा, बट फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम ट्रेजेक्ट्रीज विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक इन दिस वे, ओके, दिस इज फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। डन। Now guys, if you will have any doubt in any of these points, you can let me know about it. And if everything is clear, I hope कि ये सब information आपको help करेगी questions को easily और कम time में solve करने में। साथ ही साथ इस video को आप अपने friends के साथ भी share कर सकते हैं जो भी exam की preparation कर रहे हैं, because ये video उनके लिए भी helpful होगी और उनको भी ये important tricks पता चलेंगी through this video. And if you are new on this channel और आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिएगा, because आपको ऐसे ही बहुत सारी important videos and tricks and important topics का discussion इस channel पर videos में मिलेगा, ठीक है। तो guys, इसी के साथ में I would also like to tell you one more thing, that is about the Unacademy Plus subscription, कि अगर आप upcoming CSIR NET Physics exam की preparation कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, बिकॉज आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन यू विल गेट सो मेनी बेनिफिट्स,
like weekly quizzes, doubt clearing sessions, mock tests, PDF of important notes and recordings of the live classes will be available to you. In sab benefits ke saath saath aapko classes milti hain ya courses milte hain by all the top educators we are having on Unacademy Plus for your exam preparation. To aap sare top educators jo bhi Unacademy Plus par aapke exam ki preparation kara rahe hain, un sab ki live classes ko attend kar payenge after taking the subscription. Isi ke saath mein guys, agar aap use karenge referral code Anjali Arora, jisme aapko sirf first A capital likhna hai aur baki sare alphabets small mein likhne hain aur koi bhi space nahi dena hai beech mein, Anjali Arora ek saath likhenge aap. और अप्लाई कर देंगे इस रेफरल कोड को तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट इन द टोटल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अमाउंट. गाइस, अनअकैडमी प्लस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज अभी भी चल रहे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं. ओके, तो आप अगर चेक करना चाहें आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चेक कर सकते हैं. और स्टेप्स जो है सब्सक्रिप्शन लेने के, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ. स्टेप नंबर 1, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. स्टेप नंबर 2, लॉग इन टू द ऐप. स्टेप नंबर 3, जस्ट सेलेक्ट योर गोल. अगर आप CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका गोल होगा CSIR UGC नेट. स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप, दैट्स 4 स्टेप. फोर्थ स्टेप इज, इन द लर्निंग ऐप यू विल हैव 3 लाइंस एट द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, उन पर क्लिक कीजिएगा. देन क्लिक ऑन प्लस, देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन एंड फॉलो द फर्दर स्टेप्स एंड दैट्स हाउ यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन वेरी इजिली. सो गाइज, आई होप ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. थैंक यू.